आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। रात 12 बजे से देश भर के टोल प्लाजा पर फास्टैग जरूरी कर दिया गया। जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं लगा है उनसे दोगुना टैक्स वसूला जा रहा है, जिसकी शुरुआत आधी रात के बाद से हो चुकी है। और अगर किसी गाड़ी पर लगा फास्टैग काम नहीं कर रहा होगा तो उस पर भी भारी जुर्माना लग सकता है। हालांकि कुछ लोगों की राय है कि अभी दोगुना टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए। बहुत अच्छा है सिस्टम, हम कल से करवा लेंगे। एक तो ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा अगर जो ऑल टोटल गाड़ियों पे फास्टैग हो जाएगा, और इनका टाइम भी सेव होगा और इनका फ्यूल भी बचेगा। टूलकिट मामले में एक तरफ जहां वकील निकिता जैकब अग्रिम जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, वहीं दूसरी ओर इसी मामले की अहम कड़ी शांतनु की अग्रिम जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच सुनवाई करेगी। इस मामले में अपने ऊपर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार को देखते हुए दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अर्जी में निकिता जैकब ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। निकिता की याचिका में कहा गया है कि उनका मकसद कोई धार्मिक, राजनीतिक और वित्तीय फायदा उठाने का नहीं था। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द करवाने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी कमर कस ली है। दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई में मौजूद है और वो लगातार निकिता और शांतनु की तलाश में लगी हुई है। दरअसल दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद निकिता जैकब और शांतनु का नाम टूलकिट मामले में सामने आया है। इस जानकारी के बाद 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम निकिता के घर पहुंची थी, जहां कुछ दस्तावेजों पर सिग्नेचर के बाद टीम ने उन्हें दूसरे दिन पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था, लेकिन तब से वो फरार है। 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस की टीम ने शांतनु के घर पर भी दबिश दी थी, लेकिन वो भी अपने घर पर नहीं मिला था। दिशा, निकिता दोनों का शांतनु बेहद करीबी है। 26 जनवरी से पहले जूम ऐप के जरिए हुई मीटिंग में इन तीनों के अलावा खालिस्तानी एमओ धालीवाल समेत कुल 60 से 70 लोग शामिल हुए थे। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन के एक छात्र की मौत के बाद कोलकाता में लेफ्ट कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा। आरोप है कि कुछ दिन पहले वहां लेफ्ट के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्र को बुरी तरह पीटा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लेफ्ट फ्रंट ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोलकाता में उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और दौड़ते हुए आगे बढ़े। इन लोगों को देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करेगा तो वो उससे भिड़ जाएंगे, क्योंकि छात्र की मौत के बाद उनका पारा सातवें आसमान पर था और इसी गुस्से में वो प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों के ये तेवर 11 फरवरी की उस घटना की वजह से हैं, जिसमें कोलकाता पुलिस ने लेफ्ट कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। पुलिस ने इस प्रदर्शन में लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए थे। आरोप है कि जिस छात्र की मौत हुई वो प्रदर्शन में पुलिस की लाठियों से घायल हुआ था। कॉमरेड को इस बेदर्दी से मारा है, इसके मसल फट करके इसकी किडनी फेलियर हो गया। वहीं हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मरने वाले छात्र के परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिया। टूलकिट मामले की जांच करते हुए जांच एजेंसी अब एक और नाम तक पहुंची है। मलेशिया में रहने वाला पीटर फेडरिक नाम का शख्स अब इस जांच के दायरे में है। न्यूज 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि मलेशिया में रहने वाला पीटर फेडरिक फासीवाद पर शोध कर रहा है। जानकारी मिली है कि अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति जिन प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी थी उनमें पीटर भी शामिल था। इतना ही नहीं, पीटर फेडरिक नाम का ये शख्स खालिस्तान समर्थक है और खालिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा चलाने वाले कई नेताओं के लगातार संपर्क में है। पीटर का ताल्लुक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के K2 मिशन से भी है। K2 मिशन के तहत ISI एक तरफ कश्मीर में आतंक फैलाती है और दूसरी तरफ पंजाब में खालिस्तान को हवा देती है। पीटर के खिलाफ ये जानकारियां सामने आने के बाद एजेंसियों ने उसके खिलाफ जांच तेज कर दी है। सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है? तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है। 2005-06 से इनका नाम उभरा था। एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे, उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-07 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं BS भिंडर साहब के साथ, और BS भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए, काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। At one point of time, USDA के भी ये POI रहे थे, BS भिंडर। यूपी के हाथरस में कोरोना जांच के लिए पहुंचे कई लड़कों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्त रुख अपनाया। ये सभी लड़के दो दिन बाद आगरा में होने वाली सेना की भर्ती में शामिल होंगे, जिसके लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जरूरी है। इसलिए उस भर्ती में शामिल होने से पहले ये सभी अपनी कोरोना जांच करवाने पहुंच गए।
भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि कई उम्मीदवारों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इसी दौरान कुछ लड़कों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाई। बताया गया कि भर्ती में शामिल होने वाले कई उम्मीदवार वहां एक दिन पहले ही कोरोना जांच के लिए पहुंच चुके थे और तय वक्त से पहले ही जांच की मांग करते हुए उन्होंने भी हंगामा किया। यहां पे कुछ भी नहीं हुआ, वही लाठी डंडे खा रहे हैं सुबह से। ये खबर भी सामने आई कि कोरोना जांच में देरी से नाराज कुछ उम्मीदवारों ने वहां हाईवे भी जाम किया, हालांकि पुलिस ने कुछ ही देर में उसे खुलवा दिया। एक तरफ पुलिस टूलकिट गैंग के बाकी बचे आरोपियों की तलाश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है। विपक्ष के अनर्गल आरोपों पर पलटवार करते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लॉ इट विल टेक इट ओन कोर्स, उसमें कोई राजनीति नहीं रहना चाहिए। देश के विषय पर भी, देश के सुरक्षा के विषय पर भी, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर भी जो लॉ है वो लॉ के हिसाब से होना चाहिए। इसमें कोई राजनीति, राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व होने का जरूरत नहीं है। मैं पुरजोर से सरकार की, ये 22 साल उम्र की हिंदुस्तान की एक नौजवान को, एक महिला को इस तरीके की हिरासत में लेना, उनको फजूल केस में फंसाना, हम इनका घोर विरोध करता हूँ, निंदा भी करता हूँ। देशद्रोह का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो चाहे कोई और। मैं ये नहीं कहता कि सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करना अपराध है, प्रजातंत्र है, किसी भी मुद्दे पर कोई भी विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ साठगांठ करना ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुणे हाईवे पर हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। तो ये सड़क हादसा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ है और बताया जा रहा है कि आपस में 3 गाड़ियां टकरा गई, ऐसे में 5 लोग घायल भी हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, मुंबई पुणे हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है, सड़क हादसा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि 3 गाड़ियां आपस में टकराई हैं जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है जबकि 5 लोग घायल भी हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे से जुड़ी हुई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए, इस पर दिल्ली समेत कई जगहों पर कांग्रेस ने सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी 22 फरवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे, इससे पहले 18 फरवरी को अमित शाह वहां का दौरा करेंगे। थोक महंगाई दर जनवरी में बढ़ गई और ये 2.03% रही, जबकि इससे पहले दिसंबर में थोक महंगाई दर 1.22% दर्ज की गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया, हालांकि अदालत ने सुशांत की छोटी बहन नीतू को राहत दे दी। मीतू के खिलाफ मामला रद्द कर दिया गया है, उन दोनों के खिलाफ ये मुकदमा रिया चक्रवर्ती ने दर्ज करवाया था। रिया ने सुशांत की बहनों पर बिना डॉक्टर की सलाह और फर्जी कागज से दवाएं देने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुई किसान पंचायत में प्रियंका गांधी ने गन्ना किसानों के बकाए का मुद्दा उठाया, इस बहाने उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार दोनों पर निशाना साधा। भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने, जो गन्ने की कीमत सका। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा दिया। विपक्षी दल इस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं, हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। राजस्थान के अलवर से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई जिसमें मिठाई की एक दुकान में एक आदमी गोली चलाता नजर आया। आरोपी की 10 लाख की अवैध वसूली की मांग को लेकर ये फायरिंग की गई। इस घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया।
जिसमें दिखा कि तीन बदमाश एक मिठाई की दुकान में पहुंचे और सबसे पहले लाल शर्ट वाले बदमाश ने काउंटर पर बैठे दुकानदार को एक पर्ची थमाई और कुछ कहा। दावा किया जा रहा है कि ये पर्ची अवैध वसूली की मांग की थी। इसके बाद उसने अपने साथी को कुछ इशारा किया, जिसके बाद दूसरे बदमाश ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और दुकान के काउंटर पर बैठे आदमी की तरफ फायर कर दिया। फायरिंग के बाद तीनों वहां से चले गए। गनीमत रही कि फायरिंग में दुकानदार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज और मौका वारदात की जाँच की। इसके संबंध में जितना भी हुलिया वगैरह पता चला है उसके आधार पे बदमाश युवकों की तलाश की जा रही है। पुलिस नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुट गई, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जर्जर हो चुके एक पुल को विस्फोटक से उड़ा दिया गया। खबर है कि उसकी जगह वहां नए पुल को बनाने की योजना है, जो इस साल के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगी, और इसलिए उस पुल को गिरा दिया गया जो करीब 80 साल से लोगों के आने जाने का अहम जरिया था। विस्फोटक लगाकर एक ही झटके में इस पुल को तोड़ दिया गया। पुल टूटते ही धूल का गुबार छा गया। इस दौरान वहां कई लोग खड़े नजर आए, जिनमें कुछ लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। इस पल ने दो इलाकों को जोड़ रखा था, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक का बोझ सहने में वो नाकाम था। यूपी के बरेली से दहशत से भर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक स्कूल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग सबसे पहले स्कूल में खड़ी दो बसों में लगी। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में उसने स्कूल की बिल्डिंग को भी अपनी चपेट में लिया, और देखते ही देखते बेकाबू लपटे सब कुछ तबाह करने को आमादा दिखी। धधकते स्कूल से आग और धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। जल्द ही स्कूल का बड़ा हिस्सा आग और धुएं में घिरा नजर आया। भीषण आग को देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई। आग लगने की खबर सुनकर पहुंचे कुछ लोग अपने मोबाइल फोन में हादसे का वीडियो बनाने लगे। आग लगने के कारणों की जाँच कराई जा रही है फायर सर्विस से, और हमारी जो है सीओ साहब से दोनों लोगों कहा कि इसकी पूरी गहनता से जांच कर लें। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। म्यांमार में बागी हुई जनता की बोलती बंद करने के लिए कई शहरों में सेना उतार दी गई। सेना की गाड़ियों की सबसे ज्यादा तैनाती म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगॉन में नजर आई, जहां विरोध प्रदर्शन काफी आक्रामक है। इसलिए वहां विद्रोह को कुचलने के लिए सड़क पर ट्रैफिक के बीच सेना की भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ती नजर आई। चप्पे चप्पे पर सेना के ट्रक और दूसरे वाहन खड़े दिखे। शहर का कोना कोना पुलिस की गाड़ियों के सायरन से गूंजता सुनाई दिया। हालांकि यांगोन से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर यह लगा नहीं कि लोगों के मन में सेना का रत्ती भर भी खौफ था, क्योंकि वो तब भी रोजाना की तरह हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और सैनिकों के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर मैदान पर डटे नजर आए। हां, प्रदर्शनकारियों की तादाद में कमी जरूर दिखी। एक तस्वीर में तो एक प्रदर्शनकारी बैटमैन बनकर पहुंचा नजर आया। वो एक गाड़ी के ऊपर खड़े होकर सेना की तानाशाही का विरोध करता दिखा। पिछले 12 दिन से म्यांमार के लोग सेना से आंग सान सू ची को रिहा करने और उनकी पार्टी को सत्ता लौटाने की मांग पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और कई सरकारी कर्मचारी तो वहां मांगे पूरी होने तक हड़ताल पर हैं। पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा पर भी चुनावी रंग चढ़ गया। टीएमसी और बीजेपी के समर्थक वहां के कई इलाकों में पंडाल बनाकर पूजा का आयोजन करवा रहे हैं। टीएमसी ने तो सरस्वती पूजा को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम भी बना लिया और हुगली के एक पंडाल में सरस्वती की मूर्ति के अलावा ममता सरकार की उपलब्धियों को बताने वाले कई पोस्टर भी लगाए। टीएमसी राज्य भर में 125 जगहों पर सरस्वती पूजा का आयोजन करवा रही है। पिछले कई साल से टीएमसी की सरकार पर सरस्वती पूजा नहीं होने देने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार चुनावी मौसम में टीएमसी बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहती। तो वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है। सरस्वती पूजा को लेकर जो राजनीति की जा रही है या आरोप लग रहा राजनीति करने का, तृणमूल कांग्रेस अपने पंडाल में और सरकारी योजनाओं की तस्वीर लगा रही है। सरकारी तस्वीर लगाना कोई अन्याय का बात नहीं है। हम लोग इसमें ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। हम लोग का एक ही दिक्कत है, दुर्गा पूजा करने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेना पड़ता है। बंगाल की पूजा करने का इजाज़त सरकार नहीं देती। और दूसरा बात है, सरस्वती पूजा बहुत सारे शिक्षा प्रतिष्ठान में ये लोग बंद किया, इसलिए बंद किया। इसमें कोई मुस्लिम क्रिश्चियन कोई दूसरा संप्रदाय के लोग का कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सरकार का। सर कहा ये सरकार ही ये सब कर रहा है। उलबेड़िया तो है नज़दीक,
अब पूछ लीजिए, 2 साल पहले सरस्वती पूजा विद्यालय में बंद किया गया, सब छात्र ने सड़क पर आया और रोड ब्लॉकेट किया। ये सब तो बंगाल में चल रहा है, ये पिछले टाइम नहीं था। अपने तुष्टीकरण के राजनीति करता है, कोई संख्यालघु जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको नौकरी नहीं मिलता, लेकिन तृणमूल सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए, अपने कैंपेन के लिए ये सब कर रहा है। बिहार के दानापुर में सहकारी समितियों के चुनाव पैक्स के दौरान 2 प्रत्याशियों के समर्थक भिड़ गए। इस चुनाव के लिए वहां सुबह 6:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक वोट डाले गए और इसी दौरान दानापुर के हेतनपुर इलाके के एक बूथ पर 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच लड़ाई हो गई। झगड़े की शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई, लेकिन देखते ही देखते बात बढ़ गई और दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। एक आदमी तो कुर्सी लेकर आया जिसे उसने सामने वाले शख्स पर फेंक दिया, जबकि दूसरे लोग एक दूसरे पर मुक्के बरसाते रहे। हालात बेकाबू होते देखकर पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला और हंगामा करने वालों को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन झगड़ा करने वालों के सर पर तो जैसे खून सवार था। वो पुलिस की लाठियां खाते रहे लेकिन शांत नहीं हुए, उल्टा उन्होंने बवाल तेज कर दिया और कुछ लोगों को जमीन पर पटक कर मारने लगे। फिर क्या था, पुलिस को समझ में आ गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले और उसने झगड़े में शामिल लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। इस पूरे हंगामे की वजह से कुछ घंटों तक मतदान रोकना पड़ा और बवाल खत्म होने के बाद वोटिंग फिर से शुरू की गई। जम्मू साजिश पर बड़ी खबर आ रही है। बिहार के छपरा से जावेद नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि जम्मू से पकड़े गए आतंकवादियों को जावेद ने ही हथियार मुहैया करवाए थे, तो हथियार सप्लाई का यह मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं जम्मू साजिश से जुड़ी हुई, जहां पर अब छपरा से एक शख्स पकड़ा गया है, इसी ने आतंकवादियों को हथियार सप्लाई किए थे। जावेद पर सप्लाई का शक है, ऐसे में इसको पकड़ा गया है और ये छपरा से हिरासत में लिया गया है। किन लोगों के जरिए इसने हथियार मुहैया करवाए थे, अब उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। रूस की राजधानी मॉस्को में हुई भारी बर्फबारी ने पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम के इस बिगड़े मिजाज की वजह से वहां के ज्यादातर लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए, क्योंकि बाहर चारों तरफ बर्फ ने डेरा जमा लिया। आसमान से सफेद रुई की तरह गिरती बर्फ की वजह से वहां सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां और वहां के सभी रास्ते बर्फ में ढके दिखाई दिए। घरों और दुकानों के आगे इतनी बर्फ जमा हो गई कि कुछ लोग उसे खुद ही फावड़े से हटाने में लग गए। सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी अपनी गाड़ी की छत पर जमी बर्फ को हटाता दिखाई दिया। ज्यादातर लोगों को अपने घरों में ही कैद होना पड़ा, लेकिन जरूरी काम से जो लोग अपने घरों से बाहर निकले उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालात बिगड़े तो बचाव दल के लोगों ने भी मोर्चा संभाल लिया और रास्तों से बर्फ हटाने में जुट गए। इसके लिए खुदाई करने वाली मशीनों को भी लगाया गया। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वहां का तापमान काफी नीचे लुढ़क गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक एटीएम की लूट की कोशिश का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि रात में करीब 1 बजे एक चोर एटीएम का शटर खोलकर एटीएम में दाखिल हुआ और एटीएम मशीन तोड़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि चोर अपने एटीएम लूट के प्रयास में नाकाम रहा, एटीएम का लॉक नहीं टूटने से उसमें रखे लाखों रुपए लूटने से बच गए। तो लॉक नहीं टूटा, एटीएम भी नहीं लूटा गया। ये तस्वीरें आप देखिए राजस्थान के श्रीगंगानगर की, जब चोर रात के वक्त लगभग 1 बजे का समय था जब वो शटर तोड़कर अंदर दाखिल होता है और एटीएम को लूटने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम कोशिश होती है और फिर चोर वापस लौट जाता है। 26 जनवरी की हिंसा से जुड़े टूल किट मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सियासी पारा चढ़ गया, क्योंकि कई विपक्षी पार्टियां टूल किट केस में आरोपी दिशा के समर्थन में उतरे। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि से जुड़े कई राज खोले और दावा किया कि उन्होंने किसानों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर विवादित टूल किट शेयर की और अफवाह फैलाई। यही नहीं, दिशा रवि पर टूल किट को एडिट करने का भी आरोप। खबर है कि गिरफ्तार होने से पहले दिशा ने ग्रेटा थनबर्ग से बात की, जिसमें दिशा ने आशंका जताई थी कि उनके खिलाफ देशद्रोह का केस किया जा सकता है। दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन की
पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद कई विपक्षी पार्टियों ने दिशा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए, जिसमें कांग्रेस सबसे आगे रही और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने दिशा रवि के समर्थन में ट्वीट करने शुरू कर दिए। जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है कि उन्होंने कुछ भी बोला, इस तरीके का हम माहौल नहीं चाहते हैं अपने देश भर में कि कोई भी अपना आवाज़ उठाएगा तो उसको दबा दिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस मुद्दे का सियासी फायदा उठाना चाहती है। जिस राजनीतिक दल के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन है, वो तो कोशिश करेंगे ही कि कहीं ना कहीं कुछ इनको मामला मिल जाए तो उछाल दें। देश में फास्टैग लागू हो गया। नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पार करने के लिए फास्टैग का नियम लागू हो गया, यानी अब जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं होगा उनसे दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। पटना में भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग घरों से निकल आए। रात 9:23 पर हल्के झटके महसूस किए गए। राहुल गांधी 27 फरवरी से 3 दिन तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भुवनेश्वर में सीआरपीएफ के जवानों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। जवानों को अभी टीके का पहला डोज ही दिया गया। दुमका में झारखंड हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाएगी, सीएम हेमंत सोरेन ने इसको मंजूरी दे दी। यूपी के प्रयागराज में टोल प्लाजा पर बदमाशों ने कैशियर पर बम से हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गया। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन लगाने का दूसरा चरण शुरू हो गया, जिसके तहत पहले दिन मुंबई में केवल 71 लोगों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। पहले चरण के मुकाबले काफी कम लोग पहुंचे। WHO ने एस्ट्राजेनेका की कोरोना की वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। आगरा में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बैंक से 7 लाख रुपए की लूट की। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने वहां फायरिंग भी की। यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ रही कीमतों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताते हुए केंद्र सरकार से बढ़े दाम वापस लेने की मांग की और इसके लिए उन्होंने अनोखा प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक अर्थी तैयार की और उस पर एक रसोई गैस सिलेंडर रखकर उसकी शव यात्रा निकाली। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वो वहां की कई गलियों से गुजरे। विरोध प्रदर्शन में शामिल सभी कार्यकर्ताओं के हाथों में नारे लिखी तख्तियां नजर आई, जिनके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार से महंगाई की मार से जूझ रहे लोगों को राहत देने की मांग की। रसोई गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया, तत्काल गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम को वापस ले और जनता को राहत दे। रवि की गिरफ्तारी के बाद टूलकिट केस में आरोपी निकिता जेकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि पेशे से वकील निकिता जेकब मुंबई में रहती हैं और टूलकिट केस में उनके खालिस्तानी कनेक्शन की जांच भी की जा रही है। आरोप है कि 26 जनवरी की हिंसा से पहले निकिता कनाडा में रहने वाले खालिस्तान समर्थक धालीवाल के समर्थक में संपर्क में थी और एक मीटिंग में धालीवाल ने निकिता और दिशा को किसानों के मुद्दे को बड़ा बनाने के निर्देश दिए थे। इस मामले में निकिता फरार हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए वो बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगा चुकी हैं। निकिता जेकब के अलावा शांतनु नाम के शख्स के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया और दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में भी जुटी है। दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जेकब के साथ मिलकर टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आरोपी शांतनु के परिवार वाले उसके बचाव में उतर आए। उसके परिवार ने टूलकिट मामले में लगे सभी आरोपों को गलत बताया। शेतकरी लोकांना त्यांनी पाठिंबा दिलाय, मग यात काही चूकच नाही ना, आणि मी पण देते, मी एका शेतकऱ्याची मुलगी, आज माझे भाऊ पण शेतकरी आहेत। राजदूतों के जम्मू कश्मीर के दौरे से पाकिस्तान बौखला गया है। दौरे से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, कश्मीर में सामान्य हालात के सबसे पाकिस्तान परेशान हो गया है। 18-19 फरवरी को कुछ देशों के राजनयिक जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। राजनयिक श्रीनगर, बारामूला, गुलमर्ग का दौरा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में विकास और शांति बहाली को करीब से देखने की कोशिश करेंगे। तो राजदूतों के दौरे से पाकिस्तान बौखला गया है और ऐसे में अब पाकिस्तान की नई साजिश सामने आई है। दरअसल 18-19 फरवरी को राजनयिक जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और इस सब से पाकिस्तान परेशान हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं।
करीबियाई देश हेती में राष्ट्रपति को सत्ता से बेदखल करने के लिए शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। वहां विपक्ष ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी राष्ट्रपति अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह रही कि हजारों लोग हेती के राष्ट्रपति को कुर्सी से हटाने के लिए सड़कों पर उतारे। प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें राजधानी पोर्टो प्रिंस से सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में बीच सड़क पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होती दिखाई दी। जब हालात बेकाबू हो गए तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बल ने आंसू गैस के गोले दागे, साथ ही उन पर रबर की गोलियां चलाई। पुलिस की सख्ती के बाद तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। भीड़ में शामिल लोग सड़क पर आगजनी करने लगे। सामने आई एक तस्वीर में रास्ते पर खड़ी एक कार लपटों से घिरी दिखी, बाद में फायर ब्रिगेड के लोगों ने उसे बुझा दिया। Mandat Jovenel fini, nous parlons dans notre pays encore. Et ça, c'est un commencement. इससे पहले प्रदर्शन में शामिल हजारों लोगों ने हेती की सड़कों पर एक जुलूस निकाला, जिसमें कई लोग पोस्टर और तख्तियां ले नजर आए। उनमें कुछ पोस्टरों पर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग के नारे लिखे दिखे। मध्य प्रदेश के भिंड में जिला अस्पताल के अंदर मारपीट हो गई। हादसे के बाद नुकसान के पैसे न देने पर यह झगड़ा हुआ। तीन लोगों ने एक युवक को पीटना शुरू किया, क्योंकि इसी लड़के की बाइक से टक्कर हुई थी और दूसरे बाइक सवार का पैर टूट गया, जिसके एवज में इस पर गुस्साए पक्ष ने लात घूंसे बरसा दिए। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी ने लड़के को बचाया। आज एमपी वालों को मिलेगी सौगात। पीएम आवास योजना के तहत गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के 1,00,000 लोगों को मकान देंगे। इस वर्चुअल कार्यक्रम में लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवाया जाएगा। वाराणसी पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्हें चीन का एजेंट बता दिया। राहुल गांधी जैसे लोग चीन के एजेंट। यूपी के शामली में बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। एमएस धोनी और केसरी जैसी फिल्म में अभिनय कर चुके संदीप नाहर का शव उनके घर से मिला। मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई। संदीप की मौत से कुछ देर पहले का एक वीडियो वायरल है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। स्मृति उपचुनाव के लिए नवसारी, पाटन, गांधीनगर में प्रचार करेंगी। यूपी के मैनपुरी में अवैध शराब ले जा रही एक एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई, जहां पुलिस के पहुंचने से पहले तस्कर फरार हो गए। यूपी के आजमगढ़ में बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक कार नाले में गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मासूम बच्ची को सही सलामत निकाल लिया गया। ग्रेटर नोएडा में एक बच्चे के अपहरण के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर 25,000 का इनाम भी था। देश के कुछ राज्यों में करीब साल भर बाद नियमों के तहत कॉलेज दोबारा खोल दिए गए। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उन्हें पिछले साल मार्च में बंद किया गया था, लेकिन जब हालात सुधरे तो इन कॉलेजों में दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी गई, जिसके बाद लंबे वक्त से इस पल का इंतजार कर रहे कई छात्र पहले ही दिन कॉलेज पहुंच गए। छात्रों के दमकते चेहरों की एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से भी सामने आई, जहां एक कॉलेज के छात्रों को थर्मल स्क्रीनिंग और उनके हाथों को सैनिटाइज कराने के लिए के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। इसके लिए एक कर्मचारी की वहां ड्यूटी लगाई गई। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम, आज इतने टाइम बाद हमें कॉलेज फिर आने का मौका मिल रहा है। क्लासरूम से पढ़ाई के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का खास ख्याल रखा गया। सेटअप पर टाइम टेबल जहाँ के ओनली 30-35 स्टूडेंट्स पर क्लास हमने रखे हैं। महाराष्ट्र में भी राज्य सरकार से इजाजत मिलने के बाद कोरोना नियमों के तहत कॉलेज खुल गए। पुणे के एक कॉलेज से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ऐसा कोई शख्स नहीं दिखा जिसने मास्क से नाक और मुंह को न ढका। पीएम मोदी आज यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही चित्तौरा झील के विकास कार्यों की भी शुरुआत होगी। महाराजा सुहेलदेव की जयंती के मौके पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बहराइच और श्रावस्ती के लिए कई और बड़ी सौगात की घोषणा होगी। यूपी सरकार प्रदेश भर में आज महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाएगी।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दौरे पर एक बार फिर अलग अलग देशों के राजनयिकों के जाने की खबर है। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि 18 और 19 फरवरी को कुछ देशों के राजनयिक श्रीनगर, बारामूला और गुलमर्ग का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वो जम्मू कश्मीर में विकास और शांति बहाली को करीब से देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो जिला विकास परिषद यानी DDC के चुने हुए प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। घाटी में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद राजनयिकों का ये पहला दौरा होगा। हालांकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये तीसरा मौका होगा जब विदेशी राजनयिक हालात का जायजा लेने जम्मू कश्मीर जाएंगे। धोनी और केसरी जैसी फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता संदीप नाहर का शव मुंबई में उनके घर से मिला। पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जाहिर की क्योंकि संदीप का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर मिला है जिसमें वो पारिवारिक परेशानी के जिक्र करते दिखाई दिए। हालांकि अभी पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ने संदीप नाहर की मौत के मामले में ADR दाखिल किया है। संदीप की पत्नी के मुताबिक उन्होंने कमरे में खुद को बंद कर लिया था। काफी देर दरवाजा नहीं खुला तो फ्लैट के मालिक और संदीप के दोस्त को बुलाया गया और जब कमरा खोला तो संदीप का शव पंखे से लटका मिला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की जांच करेगी। उनकी वाइफ ने इसे बताया हमें कि जब वो उनका दरवाजा खोल नहीं रहे थे तब उन्होंने वो जो घर के मालिक है वो और कारपेंटर की हेल्प से जब दरवाजा खोला, दरवाजा अंदर से बंद था, वो खोलने के बाद में उनको उनकी जो बॉडी है वो एक बेडशीट में एक हैंगिंग कंडीशन में उनको दिखी थी और बाद में उसको हॉस्पिटल में लेके गए। तो हॉस्पिटल ने दो हॉस्पिटल में लेके गए, कपाड़िया हॉस्पिटल और SRV हॉस्पिटल, दोनों भी गोरेगांव वेस्ट में ही है। वहाँ पे लेके जाने के बाद में जो वहाँ पे प्रेजेंट डॉक्टर थे उन्होंने चेक किया तो उन्होंने उनको उनके हिसाब से उन्होंने बताया कि वो डेथ है करके। हिरासत में रोहतक मर्डर केस का आरोपी, रोहतक हत्याकांड के आरोपी सुखविंद्र को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। इस पर 5 लोगों की हत्या करने का आरोप। राजस्थान के अलवर में बदमाशों ने धमकी देकर 10 लाख रुपए मांगे और पैसे नहीं देने पर दुकानदार पर फायरिंग करके फरार हो गए। यूपी के अलीगढ़ में गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनसे बरामद गांजे की कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई। दिया मिर्जा और वैभव रेखी शादी के बंधन में बन गए। साल 2019 में ही दिया ने अपने पहले पति से तलाक लिया। यूपी के बागपत में खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताकर SP से बात करने वाले 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों एक कैदी के लिए सिफारिश लगा रहे थे। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोर्ट परिसर में भीषण आग लग गई जिसे काफी मशक्कत के बाद बुझा लिया गया। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसकी वजह से वहां कई घंटों तक ट्रैफिक बंद कर दिया गया। बताया गया कि बर्फ से बनी फिसलन और खराब विजिबिलिटी की वजह से कुछ गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं जिसमें 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने एहतियात बरतते हुए हाईवे को कई घंटों के लिए बंद कर दिया क्योंकि हादसे के बाद कुछ गाड़ियों में आग लग गई थी। सामने आए वीडियो में हाईवे के एक हिस्से से काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया जो कई फीट ऊपर तक जाता दिखा। हादसे वाली जगह पर मौजूद फायर ब्रिगेड और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी नजर आई। इस हादसे की वजह से वहां जैम भी लगा नजर आया। बिहार के बेतिया में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। कुछ ही समय में आग ने दर्जनों झुग्गियों को अपनी चपेट में लिया। हादसे में 20 से ज्यादा झुग्गी जलकर खाक हो गई। हालांकि आग से किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। काफी देर की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया लेकिन कई लोगों के रहने का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे लोगों के लिए प्रशासन से रहने के लिए जगह की मांग की गई। गुजरात के सूरत में एक हीरा कारोबारी की 17 साल की बेटी जैन धर्म अपनाकर साध्वी बन गई। साध्वी बनने से पहले उसने जैन गुरु के हाथों एक कार्यक्रम में दीक्षा ली जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में वो सबके सामने लाखों रुपए के गहने पहनकर नाचती नजर आई। थोड़ी देर तक नाचने के बाद उसने एक एक कर सारे गहने उतार दिए। इस काम में वहां मौजूद एक साध्वी ने उसकी मदद की। इसके बाद उसने जैन गुरु के हाथों दीक्षा ली। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में वो एक साध्वी के रूप में दिखाई दी। साध्वी का चोला पहनने के बाद उसने जैन मुनियों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान वहां कई दूसरी साध्वी भी मौजूद रहीं जो बाद में उसे अपने साथ लेकर चली गईं। यूपी के लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक सरकारी दफ्तर आग की भीषण लपटों में घिर गया। आग इतनी खतरनाक थी कि उसने चंद मिनटों में ही राष्ट्रीय सूचना सेंटर के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। वहां यह आग कैसे लगी इसकी जांच जारी है।
लेकिन ये कितनी भीषण थी इसका अंदाजा राष्ट्रीय सूचना सेंटर से निकलती इन लपटों को देखकर लगाया जा सकता है। जल्द ही इमारत के चारों तरफ आग की कई फीट ऊंची लपटें उठने लगी। खतरनाक लपटों और काले धुएं के गुबार ने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम गाड़ियों के साथ वहां पहुंची और बिना वक्त गवाए उन्होंने लपटों पर चारों ओर से पानी की बौछार शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग तो बुझा ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इमारत का बड़ा हिस्सा और उसके अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि आग लगते ही सूचना सेंटर में मौजूद कर्मचारी समय रहते ही बाहर आ गए, जिससे इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। बताया गया कि राष्ट्रीय सूचना सेंटर में लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा हुआ था, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोरोना काल के बाद दिल्ली NCR में मेट्रो का संचालन करने वाली DMRC ने दिल्ली मेट्रो को कैशलेस करने की तैयारी कर ली है। news18.com की रिपोर्ट है कि मेट्रो में यात्रा के लिए अब लोगों को जल्द ही QR कोड का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशनों के अंदर दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होने वाले एंट्री गेट को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि लोग बिना किसी चीज़ को छुए कैशलेस तरीके से किराया देकर मेट्रो में सफ़र कर सकें। QR कोड के जरिए टिकट खरीदने के लिए लोगों को अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जिस पर खुद को रजिस्टर करने के बाद ये जानकारी देनी होगी कि कहां से किस स्टेशन तक जाना है, जिसके बाद सफ़र करने वाले लोगों की संख्या बताकर QR कोड के जरिए टिकट खरीदी जा सकेगी। यूपी के शाहजहांपुर में प्रशासन ने 10 सरकारी दुकानों को व्यापारियों के कब्जे से मुक्त करवा लिया। लीज खत्म होने पर छावनी परिषद की दुकानों को खाली करने का आदेश जारी किया गया था। नोटिस के बावजूद दुकानें खाली ना होने पर छावनी परिषद के अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और दुकानों को सील करने की कार्यवाही शुरू की गई। कुछ लोग हथौड़ों की मदद से दुकानों के ताले तोड़ते दिखाई दिए। कार्रवाई की खबर मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता तनवीर खान अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और विरोध जताने लगे। खफा व्यापारियों ने प्रशासन पर कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाया। हालांकि प्रशासन ने नियम के तहत कार्रवाई का दावा किया। रोडवेज वर्कशॉप के सामने 5 दुकानें और बस स्टैंड के सामने 4 दुकानें। साथ ही बाकी दुकानदारों को भी जल्द दुकानें खाली करने की चेतावनी दी गई। यूरोप के देश ग्रीस के ज्यादातर इलाके भारी बर्फबारी और लगातार गिर रहे तापमान से बुरी तरह जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तरी ग्रीस में अगले हफ्ते हालात कुछ बेहतर होने का अनुमान जताया है, जिसका मतलब यह है कि जब तब तक लोगों को सर्दी का टॉर्चर झेलना पड़ेगा। कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े शहर थेसलोनिकी से जो तस्वीरें सामने आईं, उसमें पूरा शहर बर्फ की चादर में लिपटा दिखाई दिया। हर एक चीज बर्फ से ढककर सफेद हो गई। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की चादर बिछी नजर आई। आसमान से लगातार गिर रही बर्फ के बीच भी कई लोग अपने घरों से निकलकर काम पर जाते दिखे। वहीं सड़कों पर गिरी बर्फ को हटाने का काम भी जारी दिखा, ताकि लोगों की मुश्किलें कुछ हद तक कम की जा सके। अफगानिस्तान के हेरात में एक तेल टैंकर में धमाके से भड़की आग पर काबू पाने की कोशिश दूसरे दिन भी जारी रही। इस हादसे में अब तक 500 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं, जबकि 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तेल टैंकर में ये आग 2 दिन पहले अफगानिस्तान ईरान सीमा के पास लगी थी, जिसने कई गाड़ियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसके बाद उनमें जोरदार धमाके होने शुरू हुए जो इतने जबरदस्त थे कि आसमान में आग के गोले बनते दिखाई दिए। धमाकों की गूंज, आग की खतरनाक लपटें और काले धुएं के गुबार ने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया। अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। خود جان هدت نظام بتنان و شدت دوچار آتش سوزی شدن مسموم شدن تیل ٹینکر سے بھڑکی اس آگ نے پل بھر میں پورے علاقے میں تباہی مچا دی در حدود بیش از 500 تانکر مواد نفتی در این فاجعه از بین رفته و بیش از 50 میلیون دلار घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की कई टीमें आग बुझाने में जुट गई। कई गाड़ियों में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन वो दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं बची। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक दारोगा गांव के कुछ लोगों को धमकाता नजर आया। इस दारोगा पर मामूली विवाद में 2 लोगों को पीटने का भी आरोप लगा और इस पिटाई से नाराज गांव वाले जब इकट्ठा हुए तो दारोगा ने अपनी पिस्तौल चलाने की धमकी दे डाली। तुझे दिखाऊंगा ना। इसके बाद गांव वालों पर धौंस दिखाने के लिए दारोगा ने हवा में फायरिंग भी की। गोली मारो तुम, मारो गोली।
दो भाइयों में लेनदेन को लेकर हुए विवाद में जांच करने पहुंचे दारोगा ने खुद ही विवादों को न्योता दे डाला। इसी बीच किसी ने उनका मोबाइल ले लिया। मोबाइल आपका मिल जाएगा, मोबाइल कहीं नहीं जाएगा। लूट का मुकदमा लिखवाऊंगा, अभी पूरा लिखवाने को आप कुछ भी लिखवा दो। मामले का वीडियो वायरल होने और पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद एसपी ने दारोगा को लाइन हाजिर कर जांच के आदेश दे दिए। विभागीय जांच के आदेश एसपी महोदय द्वारा दिए गए हैं। हालांकि दारोगा की दलील है कि गांव वालों ने भी घेर कर उसे पीटा, इसलिए उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का एक विवादास्पद बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने वेतन बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे टीचरों पर खराब हो चुके आंसू गैस के गोले दागे जाने को जायज माना। टीयर गैस भी चलाइए, वो भी जरूरी होती है, करना चाहिए टीयर गैस को, के बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी। सो उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है।